हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल मांडर विधानसभा उपचुनाव से लौटकर तत्काल क्षेत्र के दौरे पर जुट गए हैं। शनिवार वे कटकमसांडी दौरे पर रहे। इस दौरान अपने काफिले के साथ जैसे ही विधायक मनीष जायसवाल कटकमसांडी चौक पहुंचे तो यहां पहले से ही उनके स्वागत को तैयार स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद विधायक श्री जायसवाल ने अपनी गाड़ी छोड़कर स्थानीय समर्थकों के बाइक पर सवार हो गए और आगे जनजुड़ाव के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र की ओर निकल पड़े। यहां से कटकमसांडी प्रखंड के बाझा पंचायत भवन सभागार में बाझा पैक्स की ओर से आयोजित धान बीज वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और क्षेत्र के चयनित लाभुक कृषकों के बीच उन्नत किस्म के धान का वितरण किया। यहां स्थानीय लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। दूसरा कार्यक्रम कटकमसांडी चतरा मार्ग पर रेलवे पुल के आगे पहुंचे, जहां भिंड के ग्रामीणों द्वारा निकाले गए कलश यात्रा में शामिल हुए और भिंड के नवनिर्मित देवी मंडप के लिए अपनी ओर से 3.5 फीट की संगमरमर की आदमकद माँ दुर्गा की प्रतिमा भेंट की। प्रतिमा देख ग्रामीण खुशी से झूम उठे। कटकमसांडी पंचायत के ग्राम भिंड में 7 दिवसीय श्री श्री 108 सतचंडी सह देवी मंडप प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और बलबल द्वारी नदी से विधि विधान के साथ जल उठाकर करीब 20 किलोमीटर की दूरी आने जाने में तय करके अपनी आस्था को प्रदर्शित किया। कलश यात्रियों के सम्मान में खुद विधायक मनीष जायसवाल भी उनके साथ पैदल चले। साथ साथ ग्रामीण एवं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी एवं नेता शामिल थे। ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।